नमस्कार, आई माइसेल्फ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, मैं इंदौर से हूँ और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज दोस्तों हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया, जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है और जोड़ों में दर्द होता है। ये अभी बहुत कॉमन है और बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो अपने दादा परदादा या अपने ऊपर वाली पीढ़ी से जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स आते हैं, वो जीन्स के कारण जो है हम में डेवलप होती है। अनुवांशिक बीमारी होने से ये लंबे समय तक चलती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है या कोई दूसरी आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मल्टीपल जॉइंट पेन होता है, एक से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा जोड़ों में दर्द होना, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, सुबह उठते हैं तो हाथ पांव में टाइटनेस फील होती है, कमर में टाइटनेस फील होती है। और अगर हम ब्लड पैरामीटर्स की बात करें, डायग्नोसिस की बात करें कि इसको डायग्नोसिस करने के लिए सिम्टम्स और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किस हद तक मदद करते हैं, तो इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन का भी रोल होता है, आर ए फैक्टर होता है, या एंटीसीसीबी एंटीबॉडी जो अभी लेटेस्ट है वो अगर पॉजिटिव आती है तो भी ये गठिया की या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की निशानी है। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल टेस्ट दोनों के थ्रू हम करते हैं। क्लिनिकल में जॉन्स क्राइटेरिया या ACR, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो जॉन्स क्राइटेरिया में जो 7 क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरियाज के हिसाब से अगर उसमें से 3 पॉजिटिव होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। उसके बाद चाहे पैथोलॉजिकल टेस्ट में ये जो इन्वेस्टिगेशन में आरए फैक्टर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, या एंटीसीसीबी एंटीबॉडी पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अगर 7 में से 3 क्राइटेरिया अगर हमको पॉजिटिव मिलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये गठिया है। अगर आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है तो सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नेगेटिव आता है तो सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन होती रूमेटॉइड आर्थराइटिस जरूर है, ऐसा नहीं है कि आरए फैक्टर के पॉजिटिव या नेगेटिव आने से ही वो डिसाइड हो। तो ये इसके डायग्नोसिस करने का तरीका है। 3 से ज़्यादा बड़े जोड़ों में दर्द, छोटे जोड़ों में दर्द, मॉर्निंग स्टिफनेस, ESR CRP का बड़ा होना, ये सबक्यूटेनियस रूमेटॉइड नोड्यूल्स का मिलना, ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं इनमें से 3 क्राइटेरिया अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि गठिया है। अब डायग्नोसिस बनाने के बाद अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज आज की तारीख में बहुत अच्छा इलाज है। मेरे पास कई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट चल रहे हैं और सभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर फिजियोथेरेपी अगर लेते हैं तो ये पेशेंट इसमें बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि उसको गठिया है। सारे रूटीन एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से करता है और उसको इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती। उसके लिए हमको ज़रूरत है कि हम डेली जो एक्सरसाइज है वो करें, साथ में क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके लिए चार्ट होता है। गठिया में क्या खाना है, जैसे खटाई खाने के लिए हम मना करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि उसमें हम कंट्रोल रखें। इसके साथ साथ मेडिकेशन जो इसमें ज़रूरी होता है, किसी को माइल्ड गठिया होती है, किसी को मॉडरेट और सीवियर भी होती है, तो उसकी तीव्रता के हिसाब से उसको मेडिकेशन देते हैं हम। अगर माइल्ड गठिया होती है तो उसके लिए लो डोज में भी जो है काम हो जाता है और वो पेशेंट जो है अपनी रूटीन एक्टिविटी आसानी से कर लेता है। गठिया के लिए बहुत से डीमार्ड एजेंट से ड्रग मॉडिफाइड एजेंट जो गठिया को दबा देते हैं, हालांकि अनुवांशिक के जड़ से ख़त्म होने के चांस बहुत कम होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिमिशन अगर हो जाए तो ठीक है, वरना अनुवांशिक बीमारी जिंदगी भर चलती है, जस्ट लाइक ए ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ये भी बहुत से पेशेंट्स में ज़िंदगी भर चलती है। तो इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो ड्रग मॉडिफाई एजेंट्स जो ड्रग आती है वो हम देते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं, इसको दबा देते हैं, बेसिकली इसको दबा दिया जाता है ताकि जोड़ों में दर्द नहीं हो।
अगर हम इसका इलाज प्रॉपर नहीं ले तो धीरे धीरे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बनी रहती है और उसके कारण जोड़ टेढ़े होने लग जाते हैं, और उंगलियों के जोड़, घुटने के जोड़ ये टेढ़े होने के कारण, मरीज के जोड़ टेढ़े होने के कारण वो चल नहीं पाता, काम नहीं कर पाता और मसल पावर भी वीक होती जाती है। तो इसका इलाज लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इलाज नहीं ले तो पेशेंट बेड रिडन भी हो जाता है धीरे धीरे। और बहुत लेटेस्ट ट्रीटमेंट अभी इसका है जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है। ज़रूरत है मॉनिटरिंग करने की, हर 3 से 6 महीने में ब्लड इन्वेस्टिंग कराते रहें ताकि लीवर किडनी का इफेक्ट पता लगे कि उन मेडिसिन से कि अपने बॉडी में लीवर किडनी या किसी ऑर्गन पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। इसके साथ साथ बात आती है प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन तो अनुवांशिक बीमारी है, इसमें हम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर हो गई है तो इसका एक्सरसाइज, रोज मॉर्निंग वॉक, घूमना और डाइट, क्या खाना क्या नहीं खाना और खटाई नहीं खाना, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने से मेडिसिन की मात्रा भी कम हो जाती है, मेडिसिन कम लेने की ज़रूरत होती है और मरीज को आगे ज़िंदगी जीने में दिक्कत नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रहे, डॉक्टर से मिले और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। थैंक यू।